क्या आपके पास कोई ऐसी चीज है कि आपके पास कोई ऐसा बंदा है जिसके पास दुनिया की हर एक जानकारी हो, या कोई आपके पास कोई ऐसा सिस्टम हो जिसके पास पूरे दुनिया के अंदर जितने भी किताब, जितने बुक्स, इंटरनेट, रिसर्च पेपर, या दुनिया के अंदर जितनी भी चीजें हैं वो सारी चीजों का उसके पास नॉलेज हो, और अगर आप उससे कुछ भी पूछे वो आपको फटाक से आंसर बता दे? यस आई हैव। मेरे पास एक ऐसी चीज़, एक ऐसा बंदा, एक ऐसी सिस्टम से जिसके पास दुनिया के अंदर आज तक की जितनी इन्फॉर्मेशन, नॉलेज, किताबें, रिसर्च पेपर, इंटरनेट, कुछ भी हो, हर चीज़ का उसके पास नॉलेज, हर चीज़ का उसके पास आंसर है, और वो एक सेकंड में मुझे आंसर बता दे। दैट मीन्स इन द फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स दुनिया का सबसे इंटेलिजेंट, सबसे तेज, सबसे स्मार्ट बंदा मैं बन सकता हूँ, या फिर दुनिया का सबसे तेज, सबसे स्मार्ट बंदा मैं हूँ, बिकॉज ऑफ मेरे पास ऐसी चीज़ है, मेरे पास ऐसा एक सिस्टम से, या कोई ऐसा बंदा है। क्या है आपको मैं बाद में बताऊंगा, कुछ तो है मेरे पास जो मुझे दुनिया का सबसे ज्यादा इंफॉर्मेटिव, सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट, सबसे ज्यादा नॉलेज वाला इंसान, या सबसे ज्यादा स्मार्ट बंदा बना सकता है। क्या है, कौन सी ऐसी चीज है जिसके पास दुनिया का हर चीज का नॉलेज है? यस, आपके साथ मैं डिस्कस करूंगा ये वीडियो के अंदर, ऐसी कौन सी चीज, ऐसा कौन सा बंदा है, ऐसा कौन सा राज है जिसके पास दुनिया की हर एक चीज का नॉलेज हो, हर एक चीज उसके अंदर आती हो। ChatGPT, the viral sensation that could completely reset how we do things. And I think we also need to see the opportunities that this new technology is offering. But the AI program has a dark side, which not many people know about. Yes, ChatGPT. In video के अंदर आपको मैं commitment दे रहा हूँ कि video के end में दुनिया के सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट, टैलेंटेड, नॉलेजेबल और सबसे ज्यादा इन्फॉर्मेशन रखने वाले पर्सन आप, सबसे ज्यादा स्मार्ट पर्सन आप बन जाओगे डेफिनेटली। ये मेरी आपकी, आपको ये मेरी कमिटमेंट है। तो ऐसी कौन सी चीज है जिसे मैंने बहुत लंबा चौड़ा डिस्क्रिप्शन दिया कि उसके पास हर चीज का नॉलेज है, तो क्या है? दिस इज ChatGPT। मार्केट के अंदर इसका बहुत ज़्यादा क्रेज है, बहुत ज़्यादा न्यूज़ है मार्केट के अंदर। ChatGPT, जहाँ देखो वहाँ ChatGPT। क्या है ChatGPT? किसने बनाया ये ChatGPT? क्या काम कर सकता है ChatGPT और क्या काम नहीं कर सकता है ChatGPT? मार्केट के अंदर इसका बहुत ज़्यादा क्रेज है, ChatGPT ये कर सकता है, ChatGPT वो कर सकता है, तो ChatGPT क्या कर सकता है? एक्चुअली ChatGPT क्या है, किसने बनाया ChatGPT? और अगर बहुत सी जगह पे ये भी न्यूज़ है कि ChatGPT आने वाले वक्तों के अंदर ये AI इंसानों की जगह ले लेगा और इंसानों को हर जगह से निकाला जाएगा, हर जॉब से इंसानों को निकाला जाएगा, तो क्या एक्चुअली ChatGPT इंसानों की जगह ले लेगा, या क्या एक्चुअली ChatGPT इंसान का करने वाला हर काम करता है? तो आज की ये वीडियो के अंदर ये सारे टॉपिक के ऊपर हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे, डिटेल में जानेंगे ChatGPT क्या है, कैसे काम करता है, किसने बनाया है, इंसानों की जगह ले सकता है या नहीं ले सकता है। ये वीडियो के अंदर हम हर एक चीज जानेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं ChatGPT के फैन फॉलोइंग की। ChatGPT का फैन फॉलोइंग कितना है, कितने ChatGPT के यूजर्स है, ChatGPT क्या है? वैसे तो ChatGPT दुनिया की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग टेक्नोलॉजी है। सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग टेक्नोलॉजी मतलब बहुत ज़्यादा तेजी से बढ़ने वाली, बहुत ज़्यादा यूजर्स, बहुत ज़्यादा फैन बढ़ने वाली, सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी है। जैसे ChatGPT की यूजर्स की और फैन फॉलोइंग की अगर आपके साथ मैं डिस्कस करूँ, आपको मैं बताऊँ, तो ChatGPT में नेटफ्लिक्स को, कंपेयर टू ChatGPT, नेटफ्लिक्स को 1 मिलियन यूजर कंप्लीट करने में कम से कम 3.5 साल का टाइम लग गया। नेटफ्लिक्स आज के दुनिया के अंदर, नेटफ्लिक्स बहुत ज़्यादा वायरल, बहुत ज़्यादा तेजी से बढ़ने वाला इंटरनेट प्लेटफॉर्म है, OTT प्लेटफॉर्म है। 3.5 साल 1 मिलियन यूजर्स कंप्लीट करने में नेटफ्लिक्स को 3.5 साल लग गए। फेसबुक दुनिया की सबसे बड़ी वेबसाइट, 1 मिलियन के लिए 10 महीने, 10 मंथ्स, 10 महीने का टाइम लिया फेसबुक ने 1 मिलियन यूजर्स, 1 मिलियन सब्सक्राइबर बनाने के लिए। इंस्टाग्राम की बात करें, जैसे बहुत ज़्यादा इंस्टाग्राम, फेसबुक तो बहुत पहले से, इंस्टाग्राम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के अंदर इंस्टाग्राम का क्रेज बहुत ज़्यादा चला है। इंस्टाग्राम को 1 मिलियन कंप्लीट करने में कम से कम 2.5 महीने, 2.5 मंथ्स, इंस्टाग्राम ने 5 महीने लिए। और इन सारे प्लेटफॉर्म की कंपैरिजन में अगर हम डिस्कस करें कि ChatGPT को कितना टाइम लगा, तो ChatGPT ने जस्ट 5 डेज, 5 दिन के अंदर ChatGPT के 1 मिलियन रजिस्टर्ड यूजर थे,
दैट मीन्स द फास्टेस्ट टेक्नोलॉजी. पब्लिक ने इतना रिस्पॉन्स किया, पब्लिक ने इसको इतना इंस्टॉल किया, इतना यूज किया, इतना चलाया, और पब्लिक ने चैट जीपीटी को इतना लाइक किया कि 1 मिलियन यूजर तक पहुंचने के अंदर, 1 मिलियन फैन फॉलोइंग के लिए चैट जीपीटी ने जस्ट 5 डेज के अंदर चैट जीपीटी ने 1 मिलियन यूजर कंप्लीट कर दिया. नाउ अब क्वेश्चन ये है कि ये चैट जीपीटी क्या है. बहुत सारी मैंने लंबी चौड़ी तारीफ कर दी, चैट जीपीटी ये है, चैट जीपीटी के फैन फॉलोइंग ये है, बट चैट जीपीटी एक्चुअली क्या है. चैट जीपीटी जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मेशन, फुल फॉर्म उसका ये होता है कि जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मेशन. तो बहुत लंबा चौड़ा नाम बता दिया, कुछ समझ में आए ऐसी चीज बताओ. तो जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मेशन मतलब प्री ट्रेन, जनरेटिव मतलब जनरेट करना, बनाना, प्रोड्यूस करना, प्री ट्रेन जिसको पहले से ट्रेन किया गया हो, ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन. So what is generative AI? Put simply, generative AI is artificial intelligence that can generate new content rather than simply analyzing or acting on existing data. अभी ये भी बहुत हाईफाई टेक्नोलॉजी की लैंग्वेज है, उसको थोड़ा और कंक्लूज करके इजी लैंग्वेज में अंडरस्टैंड करते हैं, इजी लैंग्वेज में समझते हैं. चैट जीपीटी एक AI चैट बेस्ड टूल्स है. अब चैट बेस्ड का मतलब क्या होता है? चैट बेस मतलब जिसके साथ आप एज अ चैट करके कुछ भी क्वेश्चन आंसर कर सकते हो, किसी भी चीज को आप जनरेट करवा सकते हो, किसी भी चीज को आप बना सकते हो. दिस इज नोन एज द चैट बेस AI टूल. समझ में आ गया? चैट बेस मतलब दिस इज द वेरी इजी सिंपल टर्म. चैट बेस मींस कि आप उसके साथ चैट करके, दिस इज नोन एज द चैट बेस AI. AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अपने आप से काम करने वाली चीज, दैट इज नोन एज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. एक ऐसा मशीन, एक ऐसा टेक्नोलॉजी या एक ऐसा अल्गोरिदम जो खुद काम करता हो, जिसके पीछे ना कोई इंसान हो, ना कोई ह्यूमंस हो, ना कोई बंदा उसके पीछे काम कर रहा हो, वो अपने आप से काम कर रहा हो, दैट इज नोन एज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. खुद से करने वाला, उसके पास अपनी खुद की कुछ कैपेबिलिटी हो जो खुद कुछ काम कर सकता हो, दैट इज नोन एज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. और चैट बेस्ड का मतलब जैसे व्हाट्सएप के अंदर हम चैट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम में चैट कर सकते हैं, सिमिलरली एक चैट बेस AI टूल्स है जिसके अंदर आप चैट करके उसके साथ कुछ भी काम कर सकते हो. कुछ क्वेश्चन आंसर करना है, आपको कुछ जनरेट करवाना है, तो ये सारी चीजें हम आगे डिटेल में वीडियोस के अंदर समझेंगे, ठीक है. नाउ द क्वेश्चन ये है कि चैट जीपीटी काम कैसे करता है, उसका काम करने का तरीका क्या है, और वो कैसे हमें आंसर देता है, उसके पास इतना सारा इन्फॉर्मेशन, इतना सारा नॉलेज आता कहाँ से. तो चैट जीपीटी दुनिया के अंदर जितना भी नॉलेज, जितनी भी किताबें, जितनी बुक्स, जितने रिसर्च पेपर आज तक दुनिया के अंदर जितना भी इन्फॉर्मेशन से, वो सारे इन्फॉर्मेशन के अंदर से एक आंसर जनरेट करके आपको उसका आंसर. जैसे आपने एक एग्जाम्पल के, आपने चैट जीपीटी को कोई चीज़ पूछी, वो क्या करेगा, उसके ऊपर पूरे दुनिया के अंदर जितना भी इन्फॉर्मेशन से, वो सारे इन्फॉर्मेशन पर रिसर्च करके आपको एक आंसर, एक रिपोर्ट जनरेट करके आपको प्रोवाइड करेगा, एज अ चैट आंसर, एज अ मैसेज आपको प्रोवाइड करेगा. आप चैट करोगे और सामने उसका रिप्लाई करेगा. पूरी दुनिया के अंदर जितने भी बुक्स, किताबें, इंटरनेट, रिसर्च पेपर या कहीं ना कहीं पर कुछ भी इन्फॉर्मेशन है, वो सारी इन्फॉर्मेशन पर रिसर्च करके वो अपना खुद का एक आंसर जनरेट करके देगा, वो अपना खुद का एक रिपोर्ट बनाएगा, अपना खुद का एक इन्फॉर्मेशन बना करके देगा. ऐसा नहीं कहीं पे कुछ लिखा है उसको सेम टू सेम कॉपी करके आपको दे दिया. दिस इज नॉट द प्री ट्रेन, दिस इज नॉट द AI टूल. वो खुद एक जनरेट करके आपको एक आंसर जनरेट करके देगा, ठीक है. ऐसा नहीं कि दुनिया के अंदर बहुत सी ऐसी AI टेक्नोलॉजीज है, ऐसा नहीं कि चैट जीपीटी अभी नया कंसेप्ट है. चैट जीपीटी जैसे बहुत से ऐसे AI टेक्नोलॉजीज मार्केट के अंदर अवेलेबल है और बहुत से मार्केट के अंदर AI चैट बेस्ड टूल्स वर्क कर रहे हैं. बस जो चैट जीपीटी, जो सब सारे AI टूल्स में चैट जीपीटी सबको सबसे अलग क्यों है, वाई द चैट जीपीटी के ये 1 मिलियन यूजर 5 दिन के अंदर 1 मिलियन से ज़्यादा यूजर्स हो गए, क्यों बाकी सारे AI टूल्स को चैट जीपीटी जितना फैन फॉलोइंग या चैट जीपीटी जितना रिस्पॉन्स नहीं मिला, ऐसी क्या खास बात है चैट जीपीटी में. तो इसके पर मैं ज़्यादा फोकस करूँगा, बिकॉज ऑफ चैट जीपीटी के अंदर सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि चैट जीपीटी एज अ AI प्री ट्रेन टूल है, तो वो आपको ये कभी फील नहीं होने देता कि सामने एक मशीन बात कर रहा है, सामने कोई एक AI टूल से. जब भी आप चैट जीपीटी के साथ डिस्कस करोगे, चैट जीपीटी के साथ चैट करोगे, चैट जीपीटी के साथ आप कुछ एक्सपेरिमेंट करोगे, तो कभी भी आपको चैट जीपीटी आपको ये फील नहीं होने देता है कि ये एक AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन ने बनाया हुआ आंसर से या मशीन ने बनाई हुई इंफॉर्मेशन से. एवरी टाइम यू फील लाइक अ रियल ह्यूमन. आपको हर टाइम ये चीज़ लगेगी कि आई एम टॉकिंग विद, आई एम चैटिंग विद द रियल ह्यूमंस, मैं एक इंसान के साथ बात कर रहा हूँ. दिस इज द इम्पोर्टेंस, दिस इज द स्पेशलिटी, और यही चीज़ है कि मार्केट के अंदर चैट जीपीटी का इतना ज़्यादा क्रेज है.
और क्यों इतना ज्यादा क्रेज है प्रैक्टिकली भी आपको मैं आगे वीडियोज के अंदर दिखाऊंगा, आपको भी रियलाइज होगा कि यस दिस इज अ वेरी अमेजिंग चीज, ये बहुत ज्यादा अमेजिंग चीज है। व्हाई, क्यों? प्रैक्टिकल के अंदर आगे आपके साथ मैं ये चीजें शेयर करूंगा, ठीक है। नाउ तो सवाल ये है, जैसे मैंने बहुत सारे डिस्कशन आपके साथ वीडियो के अंदर कर दिया, चैट जीपीटी ये है, ये कर सकता है, ये कर सकता है, क्या चैट जीपीटी इंसानों का काम कर सकता है, क्या चैट जीपीटी इंसानों की जगह ले सकता है? बहुत से मैंने वीडियोस के अंदर देखा था, बहुत से जगह पे ये क्वेश्चंस भी आए थे, मुझे भी बहुत से स्टूडेंट्स ने, मेरे स्टूडेंट्स ने पूछा, मैं स्कूल में पढ़ाता हूँ, बहुत से स्टूडेंट्स ने मुझे पूछा कि सर चैट जीपीटी क्या कर सकता है। बहुत से ऐसे रील्स के अंदर, शॉर्ट्स के अंदर बताया गया चैट जीपीटी सब कुछ कर सकता है, हर काम कर सकता है, बट क्या काम कर सकता है भाई और क्या नहीं कर सकता? अगर वो हर काम कर सकता है फिर इंसानों की जरूरत नहीं है, और अगर कर सकता है तो क्या क्या काम कर सकता है, उसकी क्या लिमिटेशंस है, और क्या काम चैट जीपीटी नहीं कर सकता है। जैसे आपको मैंने बताया चैट जीपीटी एक चैट बेस्ड एआई टूल्स है, डैट मीन्स आप उसके पास कुछ भी काम करवाना है आपको उसके साथ चैट करना पड़ेगा, आपको उसके साथ कन्वर्जेशन करना पड़ेगा, बातचीत करनी पड़ेगी, और आपको जो काम करके देगा वो भी एज अ चैट रिस्पॉन्स आपको काम करके देगा। किसी एक बंदे ने मुझे क्लास में पूछ लिया था स्टूडेंट से कि सर क्या चैट जीपीटी मेरा होमवर्क करके देगा? डेफिनेटली करके देगा। तो वो स्टूडेंट ने मुझे सामने काउंटर क्वेश्चन पूछ लिया, क्या सर चैट जीपीटी मेरे घर पे आके मेरी बुक्स ले जा करके उसमें होमवर्क करके फिर मुझे बुक लौटाने आएगा? चैट जीपीटी आपका होमवर्क करके देगा, इन द सेंस ऑफ कि आपको कुछ डाउट्स है, आपको किसी चीज पे ऐसे लिखवाना है या कोई सम सॉल्व करवाना है, तो आप चैट जीपीटी में जाकर के टाइप कर सकते हो, वो आपको रिस्पॉन्स देगा। हर काम कर सकते हो उसका ये मतलब नहीं है कि चैट जीपीटी आपके घर पे आएगा, आपकी बुक्स ले जाएगा, उसके अंदर वो रिटर्न में वर्क करके देगा, उसके बाद में आपकी बुक आपको रिटर्न करने आएगा। दिस इज नॉट डन। चैट जीपीटी का जो वर्क करने का सेंस है एज अ चैट बेस, वो आपको एज अ चैट आंसर प्रोवाइड करेगा। आपको कुछ भी कन्फ्यूजन है, आपको कुछ क्वेश्चन है, जैसे किसी ने पूछा कि भाई मुझे 2+2 करना है, अब उस बंदे को होमवर्क में 2+2 का आंसर लिखना है, बट दे डोंट नो उसका आंसर क्या आता है, तो वो क्या करेगा, चैट जीपीटी में जाकर के पूछ सकता है, चैट जीपीटी उसको रिटर्न में चैट जीपीटी में आंसर देगा, चैट एज अ चैट एज अ मैसेज आंसर देगा। किसी बंदे को कुछ कंफ्यूजन है, किसी को ऐसे लिखना है इंडियन फ्लैग या किसी भी चीज पे ऐसे लिखना है, तो वो क्या करेगा, चैट जीपीटी में जाना है, वहां पे आपको सर्च करना है, तो वो वहां पे एज अ सर्च आपको आंसर देगा कि ये हाँ ऐसा होता है, इसका ये ऐसे है, ठीक है। इसका मतलब ये ना कि वो आएगा आपकी नोटबुक लेगा आपका काम करके देगा, दिस इज नॉट द सेंस, ओके ना। तो उसकी लिमिटेशन है कि चैट जीपीटी आंसर्स तो देगा, आपके हर काम करेगा, बट एज अ चैट एज अ मैसेज काम करके देगा, ठीक है। आपने ये बोला चैट जीपीटी मेरी बाइक स्टार्ट नहीं हो रही है, तो वो आपको बाइक स्टार्ट करने के सारे सजेशन, सारे सॉल्यूशन, टेक्निकल सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि चैट जीपीटी आपके घर पे आएगा, आपकी बाइक का इंजन ओपन करेगा, आपकी बाइक को ठीक करेगा या आपकी बाइक को गैरेज में ले जाएगा। चैट जीपीटी क्या करेगा, आपको उसके सजेशंस प्रोवाइड करेगा कि आप ये कर सकते हो, नजदीक में ये गैरेज है, आप ये कर सकते हो, बाकी फिजिकली वर्क तो आपको ही करना है। तो ये था चैट जीपीटी क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है, ठीक है। और ज्यादा प्रैक्टिकल हम आगे वीडियोस में देखेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा कि एग्जैक्टली चैट जीपीटी काम कैसे करता है। नाउ तो अब क्वेश्चन ये है कि क्या चैट जीपीटी इंसानों की जगह ले सकता है? मार्केट के अंदर ऐसे बहुत से न्यूज आते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई, जैसे चैट जीपीटी भी एक एआई टूल्स है, तो एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अगर बहुत ज़्यादा डेवलप हो गया तो इंसानों की वैल्यू नहीं रहेगी। तो क्या एक्चुअली इंसानों की वैल्यू नहीं रहेगी? क्या एक्चुअली चैट जीपीटी इंसानों को कम कर देगा? या चैट जीपीटी इन द सेंस, मैंने कहीं वीडियोज पे अंदर जब मैं ये इसकी स्क्रिप्ट बना रहा था, मैंने रिसर्च किया था, मैंने कहीं पर देखा था कि चैट जीपीटी इंसानों की जॉब खा जाएगा। जॉब खा जाएगा उसका मतलब इंसानों की जॉब छीन लेगा। जहां पे इंसान काम करता है वहां पे एआई टूल्स काम करेंगे। तो क्या एक्चुअली ये चीज है, या अगर फ्यूचर में एआई टेक्नोलॉजी डेवलप होती है तो चैट जीपीटी या फिर ऐसे बहुत सारे एआई टूल्स है जो इंसानों को रिप्लेस कर सकता है, उसके ऊपर आपका क्या सजेशन है, आपका क्या मानना है, आपके थॉट्स क्या है, वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मैं तो इस वीडियो के अंदर मेरे जो थॉट्स है, मेरा जो सोचना है, मेरा जो मानना है, मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, ठीक है। सो सबसे पहले अगर हम बात करें कि चैट जीपीटी इंसानों की जगह ले सकता है, कहां पे इंसानों की जगह ले सकता है या कहां पे इंसानों की जगह नहीं ले सकता है, तो सबसे पहले हमें ये इसके लिए एक चीज समझनी है कि चैट जीपीटी को एक तो बनाया इंसान ने, ठीक है। दूसरी सबसे बड़ी चीज कि चैट जीपीटी हर काम कर सकता है, बट उसके पास, चैट जीपीटी के पास काम कौन करवाएगा,
दिस इज अ वेरी बिग और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. जैसे बताया कि चैट जीपीटी हर काम कर सकता है, हर काम करेगा. सर राइट, 100% राइट कि चैट जीपीटी मैक्सिमम हर काम कर सकता है. बट वो जो काम हमें चैट जीपीटी के पास करवाने हैं, वो काम चैट जीपीटी के पास कौन करवाएगा? क्या काम करवाने के लिए हम एक अलग से एआई टूल्स बनाएंगे? नॉट पॉसिबल. और जो एआई टूल्स हमने काम करवाने के लिए बनाया है, उसके पास काम करवाने के और एआई टूल्स, तो ये तो एक पूरा लूप रेडी हो जाएगा, एक पूरा लूप बन जाएगा. कहीं ना किसी ना किसी एआई टूल के पास से अगर आपको काम करवाना है तो वो कौन करवाएगा? इट्स अ ह्यूमन. वहां पे इंसान काम करेंगे कि हमें चैट जीपीटी इंसान. एआई टूल्स क्या है कि इंसान जो काम करता है उसको, उसका जो बर्डन, उसका जो लोड है वो थोड़ा रिड्यूस कर देता है. इट इज डजेंट मीन कि एआई टूल्स अगर डेवलप हो गया तो वहां पे इंसानों की जरूरत ही नहीं रहेगी. आपने एआई टूल्स बनाया है, बट वो एआई टूल्स को, जैसे एआई टूल्स है उसको चलाने के लिए, उसको काम कराने के लिए, दिस इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, उसको काम कराने के लिए तो हमें इंसान चाहिए. तो कहीं ना कहीं पर इंसानों की वैल्यूज तो कहीं ना कहीं पर रहेगी. अब कौन से इंसानों की वैल्यूज रहेगी और कौन से इंसानों की वैल्यूज नहीं रहेगी, कौन से इंसानों की जॉब जा सकती है, कौन कौन लोगों की जॉब जा सकती है, कौन कौन लोग ये आने वाले फ्यूचर के अंदर, एआई के फ्यूचर के अंदर कौन से एआई टेक्नोलॉजी, एआई जनरेशन के अंदर स्टेबल रहेंगे, और कितने लोगों की जॉब, बिजनेस खतरे में है. तो समझते हैं कि सबसे बड़ी चीज, अगर एआई टेक्नोलॉजी आएगी, जैसे मैंने बताया कि टेक्नोलॉजी है, चैट जीपीटी, बहुत सारे ऐसे एआई टूल्स है, और एआई टूल्स को चलाने के लिए हमें इंसान चाहिए. ठीक है, कहीं ना कहीं पे कम से कम लेवल पर भी हमें इंसानों की जरूरत तो पड़ेगी, बिकॉज ऑफ वो जो एआई टूल से काम करेगा, तो उसके लिए काम करवाने के लिए हमें इंसानों की जरूरत है. तो ऐसे इंसानों की जरूरत वहां पर रहेगी जिसके पास टेक्नोलॉजी का, कंप्यूटर साइंस का, एआई का नॉलेज होगा, वही इंसान वहां पर सर्वाइव कर पाएंगे. दिस इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंस एंड दिस इज द माई कंक्लूजन. मैंने जितना स्टडी किया, मैंने जितना रिसर्च किया, तो मेरा रिसर्च और मेरा कंक्लूजन ये है कि वहां पर ऐसे इंसान काम कर पाएंगे जिसके पास टेक्नोलॉजी का नॉलेज है, जिसके पास एआई का नॉलेज है, और पास में उसने कभी ना कहीं पर टेक्नोलॉजी सीखा है, टेक्नोलॉजी पे फोकस किया है, वो इंसान चैट जीपीटी के सामने स्टेबल रहेंगे. बाकी सारे इंसान जो चैट जीपीटी, जैसे बहुत सारे एआई टूल्स है जो आने वाले फ्यूचर के अंदर इंसानों के सामने खड़े रहेंगे, इंसान और एआई टेक्नोलॉजी के बीच में कॉम्पिटिशन होगा. बट यहाँ पर कौन से लोग सर्वाइव करेंगे, कौन से लोग यहाँ पर बचे रहेंगे, कौन से लोग एआई को कॉम्पीट कर पाएंगे, कौन से लोग यहाँ से एआई को छोड़ के भाग जाएंगे, कौन से लोग एआई में गिर जाएंगे, दिस इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंस. कि यहाँ पर जिन लोगों ने टेक्नोलॉजी सीखा है, जिनके पास टेक्नोलॉजी का नॉलेज है, वो लोग एआई के सामने डटे रहेंगे, एआई के सामने खड़े रहेंगे. बाकी जो लोग बचे हैं, जिनके पास टेक्नोलॉजी का नॉलेज नहीं है, वही घिसे पीटे पुराने तरीके से वर्क करने का, वो लोग एआई के सामने नहीं टिक पाएंगे. तो सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि सबसे बड़ी चीज़ है कि एआई टेक्नोलॉजी को लर्न करे, टेक्नोलॉजी लर्न करे, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लर्न करे, कंप्यूटर साइंस सीखे, तो आने वाले फ्यूचर के अंदर आप उसके सामने सर्वाइव कर पाओ. दिस इज नॉट नेसेसरी कि एआई टेक्नोलॉजी आएगी, चैट जीपीटी आएगा तो इंसानों की वैल्यू नहीं रहेगी, इंसानों की वैल्यू नहीं रहेगी. दैट इज द वेरी बिगेस्ट क्वेश्चन मार्क. आपके भी क्या ओपिनियन है, आपका क्या नॉलेज है, मुझे डेफिनेटली कमेंट सेक्शन के अंदर शेयर करके बताओ. कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो आपको रिप्लेस करे अंटिल यू आर नॉट लर्निंग टेक्नोलॉजी. आपको टेक्नोलॉजी लर्न करनी पड़ेगी. ठीक है, तो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन था यह टेक्नोलॉजी और चैट जीपीटी के बारे में, क्या है, कैसे काम करता है. नाउ अब हम लर्न करेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और चैट जीपीटी के साथ काम करके हम कैसे स्मार्ट बन सकते हैं. और फाइनली वी आर मूविंग ऑन द प्रैक्टिकल सेशंस कि चैट जीपीटी पे कैसे काम करें, चैट जीपीटी एक्जैक्टली वर्क कैसे करता है, अपने मोबाइल से चैट जीपीटी को कैसे यूज कर सकते हैं, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो अमेजिंग है. जैसे मैंने पहले ही कमिटमेंट बताया कि चैट जीपीटी ये वीडियोस देखने के बाद में आप स्मार्ट बनोगे. तो ये तो सारा थियरी था, ये तो सारा जनरल डिस्कशन था. नाउ द फाइनली कम ऑन द प्रैक्टिकल सेशंस. तो चलते हम कंप्यूटर मोबाइल स्क्रीन पे, कंप्यूटर पे भी यूज कर सकते हो, मोबाइल में यूज करेंगे. तो आपको चैट जीपीटी कैसे स्टार्ट करना है, क्या उसका प्रोसेस है, कैसे उसके अंदर हम प्रैक्टिकल चेक कर पाएंगे, हम कैसे हमारा काम उसके पास करवाएंगे, और कैसे हम स्मार्ट बनेंगे, दुनिया के सबसे स्मार्ट, सबसे इंटेलिजेंट, सबसे टैलेंटेड और सबसे नॉलेज वाले इंसान हम कैसे बनेंगे. तो चलिए मोबाइल स्क्रीन के अंदर हम देखते हैं. वैसे मैंने यहाँ से गूगल क्रोम ओपन कर लिया. गूगल क्रोम में जाने के बाद में आपको सर्च करना है चैट जीपीटी. चैट जीपीटी मैंने यहाँ पर सर्च कर दिया. चैट जीपीटी में फर्स्ट लिंक यहाँ पर जो आपको दिख रहा है, दीज वाला यहाँ पर लिया है ओपन एआई.
जो कि चैट जीपीटी ओपन एआई रिसर्च एंड टेक्नोलॉजीज कंपनी ने डिजाइन किया है, बनाया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मेशन टूल। बहुत सारा मैंने वीडियोस के अंदर ऑलरेडी डिस्कस किया है। नाउ स्टार्ट करते हैं चैट जीपीटी। चैट जीपीटी पर मैंने क्लिक किया, यहां से आपको क्या करना है, लॉग इन करना है। मैं यहां पर लॉग इन पर क्लिक करता हूं, ठीक है। लॉग इन पर क्लिक करने के बाद में आपको एक दो अकाउंट क्रिएट करना है। यहाँ पे आपको अकाउंट का एक ऑप्शन दिया है, यहाँ पर आपको एक साइन अप का भी ऑप्शन दिया है जहाँ से आप साइन अप कर सकते हो। बट मेरा सजेशन ये है कि आपको अकाउंट क्रिएट करने की जरूरत ही नहीं है, आप नीचे गूगल के अकाउंट से डायरेक्ट लॉगिन कर सकते हैं। देयर इज नो नीड टू क्रिएट योर सेपरेट अकाउंट अलग से अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं। हम यहाँ पर गूगल पर चलते हैं, गूगल पर हमने क्लिक किया, प्रोसेस हो रहा है। नाउ यहाँ से आपको आपका जीमेल अकाउंट सिलेक्ट करना है। मैंने यहाँ से मेरा एक जीमेल अकाउंट सिलेक्ट कर लिया। जीमेल अकाउंट सिलेक्ट करने के बाद में प्रोसेस हो रहा है, एआई टूल्स चैट जीपीटी थोड़ा लोडिंग कर रहा है। नाउ जस्ट अ सेकंड, यहाँ पे प्रोसेस हो रहा है। नाउ यहाँ पे मुझे नाम पूछ रहा है, मेरा नेम क्या है। यहाँ पे मैं मेरा नेम टाइप कर देता हूँ। यहाँ पे हम टाइप करेंगे, यहाँ पे मैंने नाम टाइप कर दिया मेरा, और नाम टाइप करने के बाद में नीचे डेट ऑफ बर्थ पूछ रहा है। दिस इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ परफेक्ट करेक्ट लिखना है, बिकॉज ऑफ ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, एआई टूल से आपकी डेट ऑफ बर्थ को रिकॉग्नाइज करके आपकी मेंटालिटी और आपकी मैच्योरिटी को अंडरस्टैंड करता है। अगर आपने यहाँ पे बहुत कम डेट ऑफ बर्थ डाली, दैट मीन्स छोटे बच्चे की एज डाली, यहाँ पे छोटे बच्चे की डेट ऑफ बर्थ डाली, दैट मीन्स अभी आपकी मैच्योरिटी उस लेवल की नहीं है, तो ये आपको उस हिसाब से ट्रीट करेगा। तो आपको परफेक्ट डेट ऑफ बर्थ डालना जो आपकी मैच्योरिटी एज के अकॉर्डिंग आपकी मैच्योरिटी को अंडरस्टैंड करेगा। यहाँ पे मैं मेरी डेट ऑफ बर्थ डाल देता हूँ, ठीक है। दिस इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ज्यादा इसमें फोकस रखना है। यहाँ पे मुझे मोबाइल नंबर पूछ रहा है, तो हम यहाँ पर मोबाइल नंबर टाइप करेंगे। मोबाइल नंबर मैंने यहाँ पर टाइप कर दिया। मोबाइल नंबर टाइप करने के बाद में आपको नेक्स्ट करना है। मैंने यहाँ से नेक्स्ट किया, यहाँ से कंट्री भी ऑलरेडी सिलेक्टेड है। कुछ तो यहाँ पर एरर आ रहा है, यहाँ पे नीचे पूछ रहा है कि डू यू हैव व्हाट्सएप, आपके पास व्हाट्सएप अकाउंट है यही नंबर पे। अगर आप यहाँ से यस करोगे, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि आपको ये क्या करेगा, जो भी आपका कोड है वो व्हाट्सएप पर सेंड करेगा चेक करने के लिए, वेरीफाई करने के लिए। अगर आपके पास व्हाट्सअप नहीं है तो आप नो करोगे तो आपको एज अ टेक्स्ट मैसेज सेंड करेगा। मैंने यहाँ से सेंड कोड व्हाट्सएप पर कर दिया, तो अभी यहाँ पर मुझे व्हाट्सएप पर कोड सेंड करेगा वेरिफिकेशन के लिए। वेट करते हैं जस्ट अ सेकंड, व्हाट्सएप पर कोड आने तक हमें वेट करना है। इस नंबर पर हमारा व्हाट्सएप, यही फोन के अंदर हमारा व्हाट्सएप स्टार्ट है, व्हाट्सएप चल रहा है, अभी तक हमारा कोड रिसीव नहीं हुआ है। वेट करेंगे एक दो सेकंड्स के लिए। ये हमने यहाँ पर कोड हमारा टाइप कर दिया है, आपको व्हाट्सएप में एक मैसेज आएगा, उसको वेरीफाई करेगा। वेरीफाई करने के बाद में ये चैट जीपीटी आपका स्टार्ट होगा, ओपन होगा। थोड़ा प्रोसेस हो रहा है बिकॉज ऑफ ये फर्स्ट टाइम इसके अंदर हमने अकाउंट क्रिएट किया है, बार बार आपको ये सारा प्रोसेस करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। नाउ यहाँ पर आपको कुछ क्वेश्चंस पूछ रहा है, अगर आपको उसके आंसर देने से वेल एंड गुड, नहीं देने तो भी वेल एंड गुड। अगर आपको ये आप ये सारे आंसर अगर फॉलो करते हो तो ये आपकी मेंटालिटी, आपकी मैच्योरिटी को अंडरस्टैंड करेगा, उसके हिसाब से आपको रिजल्ट सर्च आउट करके देगा। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। हम यहाँ से नेक्स्ट करेंगे। हमने यहाँ से ये हमें पूछ रहा है कि हाउ वी कलेक्ट डेटा कन्वर्जेस में भी रिव्यू, या पूछ रहा है कि आप का डेटा कैसे कलेक्ट करेगा, आप जो बात करोगे उसके हिसाब से आपका डेटा कलेक्ट करे या आप स्पेसिफिकली डेटा शेयर करोगे। हम यहाँ पर कन्वर्जेशन सिलेक्ट करते हैं, दैट मींस कि हम जो कन्वर्ज करें उसके अकॉर्डिंग हमारा डेटा सिलेक्ट करे। हमने यहाँ पर डन कर दिया। नाउ ये हमारा चैट जीपीटी स्टार्ट हो गया। यहाँ पर नीचे एक सेंड मैसेज करके ऑप्शन दिया है, यहाँ से हम सर्च करेंगे। सबसे पहले मुझे एक ऐसे जनरेट करवाना है, मुझे एक ऐसे लिखना है, तो मैं यहाँ पर टाइप कर देता हूँ राइट ऐसे ऑन इंडिया। यहाँ पर ये मैंने टाइप कर दिया राइट ऐसे ऑन इंडिया। अब हम चेक करते हैं कि ये एग्जैक्टली मुझे आंसर जनरेट करके देता है नहीं देता है, देता है तो कैसा आंसर, उसका रिस्पॉन्स क्या होता है। यहाँ से मैंने सेंड कर दिया, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर ये टाइप कर रहा है, तो टाइटल दे दिया, क्या क्या चीज़ें अभी ये प्रोसेस कर रहा है, एनालिसिस कर रहा है और डेटा को जनरेट कर रहा है। दिस इज द टेकिंग टाइम, दैट मीन्स यू आर क्रिएटिंग द डेटा, इज क्रिएटिंग द इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन क्रिएट कर रहा है। हम यहाँ पर थोड़ा वेट करेंगे। द चैट जीपीटी इज अ टाइपिंग वेरी
अनबिलीवेबल ऐसे, यहाँ पे हम देख सकते हो कि कितना बड़ा ऐसे यहाँ पे टाइप कर, आपको जितना भी ऐसे लॉन्ग करना है यहाँ पे चैट के अंदर आप उसको डिजाइन कर सकते हो। देखो देख सकते हो यहाँ पे आंसर आ गया, टाइटल भी दे दिया है, पहले इंट्रोडक्शन दिया है, उसके बाद में उसका हिस्टोरिकल हेरिटेज क्या है, बहुत लंबा ये ऐसे। दिस इज द अमेजिंग टूल, क्या आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। नाउ मैं यहाँ पर जा करके सर्च करता हूँ, मुझे और एक चीज सर्च करने है, द आंसर ऑफ 5+5, मैंने यहाँ पे 5+5 या 5+5 कर दिया। नाउ आई वॉन्ट टू चेक 10-10 सेकंड, अभी वो ऊपर वाला प्रोसेस कर रहा है, उसको हम चेक करते हैं। ना उसको मैंने स्टॉप कर दिया, जो भी ऊपर का आंसर था स्टॉप कर दिया। नाउ आई वांट टू आंसर 5 of 5, 5 of 5 का आंसर क्या होता है, मुझे इसके ऊपर आंसर चाहिए। मैंने जस्ट यहाँ से सेंड किया, ये प्रोसेस करा और यहाँ पे आंसर, द आंसर इज 5 of 5+10, वेरी अमेजिंग अनबिलीवेबल। और उसके पास कुछ काम करवा कर चेक करते हैं, क्या काम करवाना है सोचते हैं, जस्ट थिंक के हमें HTML का कोडिंग डिजाइन करना है। जैसे कंप्यूटर के अंदर अगर आप पढ़ते हो, कंप्यूटर का आपको इंटरेस्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से कनेक्टेड हो, मुझे एक HTML का वेब पेज का, वेबसाइट डिजाइनिंग का कोडिंग जनरेट करवाना है लॉगिन फॉर्म का। सो हमें चेक करना है कि क्या ये अब हमें HTML का कोडिंग करके कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का कोडिंग प्रोवाइड करके देता है या नहीं देता है। तो अब हम यहाँ पर टाइप करेंगे, हम एक लॉगिन फॉर्म क्रिएट करवाना है HTML का डिजाइनिंग करके। हमने यहाँ पर टाइप कर दिया राइट HTML, हम यहाँ पर कर देते हैं HTML कोड फॉर लॉगिन फॉर्म, लॉगिन फॉर्म। तो हम ये चेक करते हैं कि क्या ये एक्चुअली हमें लॉगिन फॉर्म पे कोडिंग करके देता है या नहीं देता है। नाउ जैसे यह प्रोसेस कर रहा है, और ये दिस इज द अमेजिंग के यहाँ पर आप देख सकते हो कि चैट जीपीटी ने HTML का बहुत लंबा चौड़ा कोडिंग यहाँ पर हमें डिजाइन करके दे दिया है, और यहाँ पर ऊपर कॉपी का भी ऑप्शन दिया। दैट मीन्स कि हम ये कोड को डायरेक्टली कॉपी करके हमारा लॉगिन फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं। और ये हम कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं, और यहाँ पे नीचे सजेशंस भी दिया है कि आपको इसके अंदर क्या क्या चीज़ें चेंज करनी है। दिस इज द अमेजिंग। और भी हम यहाँ पर एक चीज सर्च करते हैं, क्या सर्च करेंगे, अब हम यहाँ पर चेक करेंगे कि अगर मैं सिंगर हूं और अगर मुझे कोई सॉन्ग या कोई पोएम मुझे यहाँ पर डिजाइन करनी है, तो मैं यहाँ पर ये भी टाइप करके चेक करता हूँ क्या ये मुझे एक्चुअली पोएम या सॉन्ग डिजाइन करके देता है या नहीं देता है। हम यहाँ पर टाइप करेंगे राइट सॉन्ग फॉर मी, ठीक है। आपको जिस चीज पे सर्च सॉन्ग चाहिए वो भी आप स्पेसिफाई कर सकते हो। यहाँ पर मैंने चेक किया और ये प्रोसेस करके दे रहा है। यहाँ पर ये इंग्लिश के अंदर एक सॉन्ग यहाँ पर टाइप करके मुझे दे रहा है, बहुत लंबा चौड़ा सॉन्ग है, पता नहीं क्या क्या टाइप किया है। नाउ हम इसको स्टॉप करते हैं, और ये सॉन्ग को हमें हिंदी में भी सॉन्ग चाहिए, हम यहाँ पर टाइप करेंगे राइट पोएम, हमने यहाँ पर किया पोएम इन हिंदी, मतलब हमें हिंदी लैंग्वेज में पोयम चाहिए। हमने यहाँ से सर्च किया, अब हम चेक करते हैं कि चैट जीपीटी क्या हमें हिंदी में भी पोयम डिजाइन करके देता है या नहीं देता है, क्या है। जस्ट वेट, ये थोड़ा प्रोसेस कर रहा है। और यहाँ पर आप देख सकते हो सपनों की उड़ान, सपनों की उड़ान पे चैट जीपीटी ने एक अमेजिंग पोयम क्रिएट करके दे दिया है। चैट जीपीटी के द्वारा जितने भी कंटेंट क्रिएट किए जाते हैं ये दुनिया में कहीं पर भी एग्जिस्ट नहीं करते हैं। अगर आप इसको सीधा कॉपी करके सॉन्ग आपने बना भी दिया या पोएम आपने बना भी दी, तो इसका कहीं पर भी कॉपीराइट नहीं लगेगा, बिकॉज ऑफ इसके अंदर जो भी कंटेंट है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस थ्रू बाय AI चैट जीपीटी ने खुद से क्रिएट किया है। ये कहीं पर भी नहीं मिलेगा, कहीं पर भी इसको कॉपी नहीं किया है, दुनिया के अंदर कहीं पर भी ये पोएम स्टोर्ड नहीं है, ना ही किसी के नाम से ये पोएम रजिस्टर्ड है। नाउ और एक चीज हम यहाँ पर सर्च करते हैं, करना तो नहीं चाहिए फिर भी एक बार हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं, मुझे मेरी गर्लफ्रेंड के लिए लव लेटर लिखना है। अब हम चैट जीपीटी के पास से लव लेटर लिखवाना है, वो भी हिंदी लैंग्वेज में, थोड़ा अमेजिंग है। बहुत से ऐसे यूथ, बहुत से ऐसे यंग लोग हैं जिनको लव लेटर लिखने का आइडिया नॉलेज नहीं होता है, तो हम आज ये वीडियो के अंदर ये भी चेक करेंगे कि क्या चैट जीपीटी मेरी गर्लफ्रेंड के लिए मुझे एक हिंदी लैंग्वेज में लव लेटर डिजाइन करके देगा। लेट्स चेक इट, मैं यहाँ पर लिखूंगा राइट लव लेटर फॉर माय गर्लफ्रेंड, गर्लफ्रेंड इन हिंदी, मुझे हिंदी में लिखवाना है। तो क्या ये चैट जीपीटी हिंदी में मुझे मेरी गर्लफ्रेंड के लिए
लेटर लिख के दे रहा है नहीं दे रहा है। यस एब्सोल्युटली यहाँ पर चैट जीपीटी मेरी गर्लफ्रेंड के लिए लेटर लिखना स्टार्ट कर दिया है और कंटिन्यूसली अभी ये चैट जीपीटी मेरी गर्लफ्रेंड के लिए लेटर लिख रहा है। तुम्हारे बिना जीवन बेसहारा लगता है और तुम्हें पाकर सब कुछ सुंदर हो जाता है। पता नहीं क्या क्या बहुत ही अमेजिंग अमेजिंग चीज़ें यहाँ पर मेरी गर्लफ्रेंड के लिए लिखा है। लव लेटर भी मेरी गर्लफ्रेंड के लिए यहाँ पर टाइप कर दिया है। नाउ थोड़ा और कुछ हम यहाँ पर उसके पास करवाते हैं। सो चैट जीपीटी ने हिंदी में लव लेटर मेरी गर्लफ्रेंड के लिए लिख दिया है। नाउ मुझे गुजराती लैंग्वेज में भी लव लेटर लिखवाना है कि भाई गुजराती लैंग्वेज के अंदर अगर मेरी गर्लफ्रेंड के लिए लव लेटर लिखे तो चैट जीपीटी मुझे कैसा लव लेटर लिख करके दे सकता है। नाउ मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ राइट लव लेटर फॉर माय गर्लफ्रेंड इन गुजराती, दैट मीन्स आई वॉन्ट इन गुजराती लैंग्वेज। और ये मैंने टाइप करके सर्च कर दिया है चैट जीपीटी का, गुजराती में मुझे लेटर टाइप करके दिया। डेफिनेटली चैट जीपीटी इज डूइंग वेल। चैट जीपीटी ने गुजराती लैंग्वेज में भी मेरी गर्लफ्रेंड के लिए यहाँ पर लेटर टाइप करके दे दिया है। यहाँ पे आपको मैं अगर पढ़ के सुनाओ, મારા મનમાં તમે એક અનમોલ વાત છો, તમારી પ્રેમની મીઠાશ હૃદયમાં ઘણી મહત્વપૂર્ણ છે। પતા નહીં ક્યાં ક્યાં લખા હૈ, ઇટ્સ અ વેરી રોમેન્ટિક રોમેન્ટિક લવ લેટર લખા હૈ। આપ સેડ લવ લેટર ભી લખવા સકતે હો, પ્રપોઝ લવ લેટર ભી લખવા સકતે હો। મુજે બતાના નહીં ચાહીએ વિડિયોઝ કે અંદર બિકોઝ ઓફ એઝ અ ટીચર, બટ યે ટેકનોલોજી હૈ, હમેં યુઝ કરના હૈ કે યે કૈસે કામ કરતા હૈ, યે ક્યા ચીજ કર સકતા હૈ। ઓર યહાં પે અભી કન્ટિન્યુઅસલી સ્ટિલ ચેટ જીપીટી ઇઝ રાઇટિંગ લવ લેટર ફોર માય ગર્લફ્રેન્ડ્સ। નાઉ अब हम चेक करेंगे, ये तो सारी द फनीएस्ट मोमेंट्स। नाउ अब हमें चेक करना है कि क्या ये हमारे लिए रेजिग्नेशन लेटर या यूट्यूब की वीडियोस की स्क्रिप्ट हमें ये लिख के दे सकता है या नहीं दे सकता है। सबसे पहले मैं यूट्यूब के वीडियो स्क्रिप्ट क्रिएट करवा के चेक करते हैं कि क्या ये वीडियो स्क्रिप्ट क्रिएट करके देता है नहीं देता है। राइट यूट्यूब वीडियो स्क्रिप्ट ऑन, इस चीज पे हमें क्रिएट करवाना है यूट्यूब स्क्रिप्ट ऑन फेसबुक। तो हम फेसबुक इन हिंदी लैंग्वेज, कौन सी लैंग्वेज के अंदर, हमने यहां पर कर दिया इन हिंदी। नाउ जस्ट हमने यहां पर सर्च किया, अब चेक करते हैं। अमेजिंग, दिस इज अ राइटिंग यूट्यूब स्क्रिप्ट ऑल्सो इन हिंदी लैंग्वेज, और ये प्योर हिंदी लैंग्वेज है। जैसे अभी आपके साथ मैं बात कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग विथ यू, हिंदी और इंग्लिश दोनों मिक्स है। अगर किसी को हिंदी और इंग्लिश दोनों मिक्स में चैट जीपीटी पे, चैट जीपीटी के ऊपर स्क्रिप्ट लिखवाना है तो वो कैसे लिखवा सकता है, उसके लिए भी मेरे पास ऑप्शन है। आई हैव स्टडीड, आई हैव रिसर्च इट, मैंने बहुत ज्यादा उसके ऊपर रिसर्च किया है। अब मैं यहां पर क्या करता हूं, यहां पर मैं सर्च करता हूं राइट यूट्यूब स्क्रिप्ट इन हिंग्लिश लैंग्वेज, हिंग्लिश हिंदी प्लस इंग्लिश, दैट इज नोन एज द हिंग्लिश लैंग्वेज, English language, English. Now I have searched English language, और ये थोड़ा प्रोसेस करके सर्च करा। Yes, the amazing. English language के अंदर भी चैट जीपीटी ने हमें स्क्रिप्ट टाइप करके दे दिया। That means चैट जीपीटी टू एज अ चैट बेस एनीथिंग, इट इज द माई पर्सनल और ओन एक्सपीरियंस, ये हमें कुछ भी करके दे सकता है। इफ यू वॉन्ट टू गो इन मीटिंग्स, और आपको मीटिंग में जाकर के प्रेजेंटेशन देना है, यू डोंट नो हाउ टू गिव प्रेजेंटेशन, तो ये हमें हर एक चीज चैट जीपीटी एज अ चैट बेस करके दे सकता है। दूसरी और नेक्स्ट वीडियोज के अंदर आपके साथ में ऐसी बहुत सारी चीजें डिस्कस करूंगा, बहुत सारी चीजें आपके साथ में ऐसी लर्न करूंगा, प्रैक्टिकली भी चेक करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम चैट जीपीटी के साथ एक एक्सपेरिमेंट करेंगे, सारी चीजें नेक्स्ट वीडियोज के अंदर हम लर्न करेंगे। दिस इज द चैट जीपीटी पूरा वीडियोज था, बड़ी बड़ी चीजें आपके साथ मैंने शेयर कर दी, डिस्कस कर दी। वीडियोज देखने के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस और वंडरफुल।